नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 2022 फ्रेंच ओपन के बारे में, जिसमें तीन बड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं ये नियम। 10 पॉइंट फाइनल सेट टाई ब्रेक। 2019 से पहले यूएस ओपन एकमात्र ग्रैंड स्लैम था जिसमें फाइनल सेट टाई ब्रेक हुआ करता था। 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन ने सभी प्रारूपों में 10 पॉइंट्स फाइनल सेट टाई ब्रेक की शुरुआत। उसी वर्ष विंबलडन ने एक टाई ब्रेक की शुरुआत की। 2022 फ्रेंच ओपन में एटीपी, डब्ल्यूटीए और आईटीएफ ने घोषणा की कि अंतिम सेट 6 गेम तक पहुंचने पर 10 पॉइंट टाई ब्रेक खेला जाएगा। यह सभी प्रारूपों में सभी 4 ग्रैंड स्लैम पर लागू होगा। दूसरा नियम है, कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अगस्त 2021 में फ्रांसीसी सरकार ने घोषणा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को रेस्टोरेंट, खेल आयोजनों, सिनेमाघरों आदि तक पहुंचने के लिए अपनी पूर्ण टीकाकरण स्थिति के साथ साथ निगेटिव कोविड रिजल्ट दिखाना होगा। हालांकि मार्च 2022 में इस प्रतिबंध को काफी हद तक कम कर दिया गया है। यात्रियों को अपने टीकाकरण की स्थिति और कोविड प्रमाण पत्र तब दिखाना होगा यदि वे अस्पतालों और नर्सिंग होम तक पहुंचना चाहते हैं। यह गत चैंपियन नोवाक जोकोविच के लिए एक राहत के रूप में आया, जिन्होंने टीकाकरण नहीं होने के कारण ऑस्ट्रेलियन ओपन, साथ ही इंडियन वेल्स और मियामी मास्टर में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली थी। तीसरा नियम है, व्हीलचेयर ड्रॉ के आकार में वृद्धि और कोर्ट मैच प्रसारित किए जाएंगे। 3 से 4 जून को फ्रेंच ओपन पहली बार फिलिप चैटियर में आयोजित होने वाले व्हीलचेयर टेनिस मैच को प्रसारित करने के लिए तैयार है। इसके अलावा व्हीलचेयर इवेंट्स के ड्रॉ के आकार में वृद्धि हुई है। व्हीलचेयर पुरुषों और महिलाओं की प्रतियोगिताओं में प्रत्येक ड्रॉ का आकार 12 होगा, जो पहले 8 था। इसके अतिरिक्त क्वाड कंपटीशन के ड्रॉ का आकार को बढ़ाकर 8 कर दिया जाएगा, जो पहले 4 था। तो यह थी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के नियमों की जानकारी। धन्यवाद।